हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे वीक फोर्थ यानी जून के वीक फोर्थ के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। हाल ही में सोमालिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है हमसा अब्दी बारे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हमसा अब्दी बारे ये किस देश के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो राइट आंसर आपका तब क्या हो जाएगा, सोमालिया इज़ दी करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, बात करते हैं सोमालिया की। तो सोमालिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है मोगादिशू, करेंसी है सोमाली शिलिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन शेख महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही है वो है 135 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, भारत की पोजीशन ध्यान रखिएगा, भारत इसमें 135 प्लेस पे है। अब बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज़ की। तो इस इंडेक्स में सबसे टॉप पोजीशन पे है आइसलैंड, फिर है आपका न्यूजीलैंड एंड देन है आयरलैंड। अब कोई भी इंडेक्स होती है उसे इशू कौन करता है इसके बारे में भी याद होना चाहिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, तो इनके द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी की गई। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट बालिका पंचायत टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। राइट आंसर इज़ गुजरात। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला जो पहला स्टेट बना है उसका क्या नाम है, तो पहला स्टेट है फ्रेंड्स गुजरात। अब बालिका पंचायत को शुरू करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फ्रेंड्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड टू रिमूव द इवल्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड डॉरी सिस्टम। तो बचपन में जो मैरिज कर देते हैं या जो डॉरी सिस्टम है यानी जो दहेज प्रथा है उसको समाप्त करना, और गर्ल चाइल्ड की डेवलपमेंट चाहे वो सोशल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो उस चीज़ को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। इसमें जो ग्रुप मैनेज करेंगे, मतलब ये जो बालिका पंचायत में जो ग्रुप होगा ना उसमें एज रहेगी बालिकाओं की 11 to 21 ईयर्स। नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इज़ प्रमोद के मित्तल। ये अभी हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज़ विच country's team has made the world record for scoring the most 498 runs in the history of international ODI cricket. सबसे ज़्यादा 498 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सी टीम ने बनाया है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड की टीम ने। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो था 481। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि पिछला रिकॉर्ड कितना था, वो था 481 और इस बार जो नया रिकॉर्ड बना है वो है 498 रन्स का, जो किसने बनाया है, इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर विल द 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल बी हेल्ड। राइट आंसर इज़ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। तो जीएसटी काउंसिल की जो 47 नंबर की बैठक है ये कहाँ पे होगी, ये होगी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। Finance Minister of all the states will be involved in this meeting because Finance Minister of this center and the states are including in the GST Council. तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें सभी states के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो involved रहेंगे या participate करेंगे। Next question is which IIT या which Indian institute has developed a robot जिसका नेम है होमोसेप टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये जो रोबोट है जिसका नाम है होमोसेप, इसे कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, राइट आंसर हो जाएगा। IIT मद्रास ने जो है वो इसे डेवलप किया है। अब ये जितने भी सेप्टिक टैंक्स होंगे उन्हें क्लीन करेगा। सेप्टिक टैंक्स में जो सेप्टिक टैंक कंटेन्स होते हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट में विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि जो ह्यूमन्स, क्योंकि जब ह्यूमन सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करते थे तो काफ़ी आपने सुना भी होगा कि कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती थी, तो अब ये रोबोट जो है वो उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री विल होस्ट द 14th ब्रिक्स समिट 2022। द राइट आंसर इज़ चाइना जो है इसे होस्ट करेगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये वर्चुअल फॉर्मेट में होगी अंडर द थीम ऑफ प्रमोटिंग ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड जॉइंटली इम्प्लीमेंटिंग द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप इसकी थीम देख लीजिए, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022। तो इसमें बेस्ट रीजनल जो एयरपोर्ट का अवार्ड गया है वो गया है किसे, कैम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है बेंगलुरु में। Which country has launched its third most advanced and first completely indigenously built naval ship? और इस नेवल शिप का नाम है फुजियान। तो फुजियान जो है ये एक नेवल शिप है जिसे लॉन्च कौन से देश ने किया है, इसे अभी रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है। इस शिप को बिल्ड किया गया चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के द्वारा। इट वेट्स ओवर 80,000 tons and it equipped with electromagnetic slingshot and arrestor devices। तो काफ़ी अच्छा एडवांस्ड ये शिप है जिसको नाम दिया गया है फुजियान। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। द राइट आंसर इज़ गुस्तावो पेत्रो हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है बोगोता और यहाँ पे जो करेंसी है वो कौन सी है, पेसो। नेक्स्ट इज़ वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट। भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है ये कहाँ बनाया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसको बनाया जाएगा लद्दाख में। ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये प्रमोट करेगा एस्ट्रोनॉमी को वाइल प्रमोटिंग लोकल टूरिज्म थ्रू साइंस। यानी ये जो लोकल टूरिज्म है ना, लोकल टूरिज्म से जो एक तरीके से मतलब साइंस के माध्यम से लोकल टूरिज्म को बढ़ाने में भी यहाँ पे मदद मिलेगी। डार्क स्काई रिजर्व क्या है देखिए, तो डार्क स्काई रिजर्व एक नेचुरल अरेंजमेंट है लाइट ऑफ लाइटनिंग अकॉर्डिंग टू द नीड विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी एंड पोल्यूटिंग अदर एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज पर द रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी। तो इसमें भारत की जो रैंक रही है फ्रेंड्स, भारत रहा है इसमें थर्ड नंबर पे। अब थर्ड नंबर पे इंडिया है तो पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा चाइना है, सेकंड नंबर पे है अमेरिका। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ किया है और ये इसका 17th नंबर का एडिशन है। नेक्स्ट इज़ व्हेन इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो फ्रेंड 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। एंड द थीम इज़ हुएवर वॉट एवर वेन एवर एवरी वन हैज़ द राइट टू सीक सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द राजा मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड बाय यूनेस्को for the use of information and communication technology in education। किस इंस्टीट्यूट को ये जो अवार्ड का नाम है राजा मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो CIET है ये NCERT की ही एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसके एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1984 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में किया जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दिस टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन 11 सिटीज़ ऑफ अमेरिका, 3 सिटीज़ ऑफ मैक्सिको एंड 2 सिटीज़ ऑफ कनाडा। पहली बार जो है फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और ये इसका 23rd एडिशन रहेगा। जो इसका लास्ट एडिशन हुआ है वो 2022 में, इसका 22वां ही एडिशन हुआ है जो कि कहाँ पे हुआ, कतर में। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022। तो फ्रेंड ये जो मीटिंग है इसकी मेज़बानी किसने करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका मेन पर्पस है टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड डायलॉग अमंग एससीओ मेंबर स्टेट्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सट्रीम्स एंड सेपरिज्म। तो इसमें एक तरीके से सारे के सारे देश जो है उनके बीच में समन्वय और बातचीत की सुविधा प्रदान करना। विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय इंडियाज़ जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इन द क्वार्टर गेम्स 2022। तो फ्रेंड इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो आपका आंसर रहेगा गोल्ड मेडल जीता है। और इसका जो आयोजन है टूर्नामेंट का वो फिनलैंड में हुआ। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स इन पेरिस, फ्रांस। तो इसमें वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है वो किसे मिला है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है कतर में। सेकंड प्लेस पे है टोक्यो का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हानेदा में है। इसके बाद थर्ड प्लेस पे है चांगी एयरपोर्ट, ये है सिंगापुर में। With which country the Haryana state government has signed an MOU for integrated management of water resources? तो integrated management of water resources के लिए हरियाणा की सरकार ने इज़राइल देश के साथ मिलकर क्या किया, MOU पे साइन किया है। इस समझौते के तहत देखो क्या होगा कि जो हरियाणा है विल यूज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इज़राइल, यानी इज़राइल की जो एकदम एक्सट्रीम कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करेगी हरियाणा की गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में और कैपेसिटी बिल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 100 million liters पर डे कैपेसिटी डेसलिनेशन प्लांट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ बीन इनॉग्रेटेड। इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है गुजरात में भी एक जगह है दहेज। अब किसके द्वारा किया गया है, तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उनके द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। दिस प्लांट हैज़ बीन बिल्ट वाया जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ लार्सन एंड टॉर्बो एंड टेक्सन। थ्रू दिस प्लांट 100 ml ऑफ ट्रीटेड सी वाटर विल बी सप्लाइड टू इंडस्ट्रीज इन दहेज, गुजरात। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट जिसका नाम है निपुण टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो फ्रेंड जो निपुण है ना, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया है, आंसर इज हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है। निपुण मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इसमें 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी स्किल्स अपग्रेड करी जाएंगी ताकि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सके अब्रॉड में जाके काम करने की। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंड कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री कौन सी है, नीदरलैंड। व्हेन इज 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड। 8वें नंबर का जो इंटरनेशनल योगा डे है ये कब सेलिब्रेट किया गया, 21 जून को। इसका मेन पर्पस होता है लोगों को योगा के बारे में अवेयर करना। पहली बार योगा डे 2015 में सेलिब्रेट किया गया था और इस बार इसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर मार्क करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड। भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू दिल्ली इंडिया में इस बैठक का जो है वो आयोजन किया गया। Who has been honored with the Pradhan Mantri Yoga Awards 2022 for his outstanding contribution to the development and promotion of yoga? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्कस विंसियस रोजो रॉड्रिक्स ब्राज़ील, भिकू सांगा सेना ये लद्दाख से है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो कि उत्तराखंड से है, ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम में। तो इन सभी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द नेशनल समिट 2022 ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी जो कि कहाँ पे न्यू दिल्ली में हुआ, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे होम मिनिस्टर हैं केंद्र अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर जो है इसकी अध्यक्षता करी है। तो राइट आंसर इज, और इसका जो आयोजन है ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज़। ये बुक किसने लिखी, तो फ्रेंड ये बुक लिखी है राम बहादुर राय के द्वारा। नेक्स्ट इज इंडिजीनियसली मेटल 3D प्रिंटर फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट। इसे डेवलप किया है IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मेटल 3D प्रिंटर्स हैं रिड्यूस दी कॉस्ट, उनकी लागत को कम करना और उनके जो यूज़र्स हैं उनकी रेंज को बढ़ाना। Where has Prime Minister Narendra Modi ji inaugurated the Gallery of Revolutionaries in honor of the freedom fighter? स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में जो गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज़ है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, ये याद रखिएगा। कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। राइट आंसर हो जाएगा लिसा स्टॉलिकर। ये इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। अकॉर्डिंग टू द गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 जिसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रिलीज़ किया, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग। तो इसमें फ्रेंड भारत जो है कौन सी रैंक पे है, चौथे नंबर पे है यानी फोर्थ प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे है चाइना, सेकंड पे है इटली, थर्ड पे है अमेरिका। इस रिपोर्ट को इशू किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया टू कनेक्ट इंडिया नेपाल ऑन द रामायण सर्किट। तो इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। फर्स्ट जर्नी ऑफ दिस ट्रेन रनिंग ऑन द रामायण सर्किट विल कवर द रिलीजियस साइट ऑफ जनकपुर जो कि नेपाल में है फॉर द फर्स्ट टाइम बिसाइड्स अदर पॉपुलर प्लेसेस एंड विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8,000 किलोमीटर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। व्हेन इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे 2022 सेलिब्रेटेड। रेन फॉरेस्ट डे फ्रेंड ये 22 जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एंड थीम इज़ द टाइम इज़ नाउ। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे छोटी छोटी थीम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ अंडर 17 वुमेंस एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022। आंसर इज़ इंडिया। तो अंडर 17 वुमेन एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है कौन सी टीम ने, इंडिया ने। तो इंडिया आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उसके बाद है जापान, देन है मंगोलिया। इसका आयोजन किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया गया। हु हैज़ वॉन द वुमेन फिक्शन अवार्ड 2022 फॉर द नोबल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स नोबल भी पूछ सकते हैं कि किस नोबल के लिए वुमेन फिक्शन अवार्ड उन्हें मिला। तो यहाँ पे तो हमें बताना है ऑथर का नाम, तो उनका है रुत उज़ेकी। इनकी नोवेल है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस जिसके लिए उनको वुमेन फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। द राइट आंसर इज़ रुचिरा काम्बोज। तो फ्रेंड ये रुचिरा काम्बोज जो है ये यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है भारत की तरफ से। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। मेंबर कंट्रीज है 193 और इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फिफ्थ हाइएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। द राइट आंसर इज सुनील छेत्री जो कि हैं भारत से। नेम ऑफ द टॉप थ्री अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, फिर हैं अली देव, फिर है मुख्तार दहारी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट ऑफ इंडिया टू टॉप द फर्स्ट बैच ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जामिनेशन। तो इसमें टॉप किया है किसने? शैनन ढाका ने। और शैनन ढाका ये कौन सी स्टेट से हैं? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ये हैं हरियाणा स्टेट से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। ये बुक गौतम अडानी जी की बायोग्राफी ही है और इस बुक को लिखा किसने है? तो R.N. भास्कर के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who has launched a portal जिसका नाम है निर्यात to provide information related to foreign trade to India। इस पोर्टल को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। Which country will host 48th G7 summit 2022। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जर्मनी इसकी मेजबानी करेगा। इसकी में इंडिया की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। Which country has successfully launched its first indigenous space rocket। और इसका नाम है नूरी। तो कौन सी कंट्री ने अपने इंडिजिनियस स्पेस रॉकेट से नूरी से जो है वो सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है? ये कंट्री कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस है टू एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस इवेंट। इसकी थीम रही है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 जिसे रिलीज़ किया है किसने? कॉर्सेरा ने। भारत की रैंक है फ्रेंड इसमें 68 नंबर पे है भारत। पहले नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, देन डेनमार्क, उसके बाद है बेल्जियम। इस रिपोर्ट को कॉर्सेरा ने रिलीज़ किया जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी ऑपरेटेड ऑन सोलर पावर एंड हाइड्रो पावर। पूरी तरीके से सोलर और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? द आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ है? न्यू दिल्ली में। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड 1000 करोड़ रुपीज़ बरानी कृषि प्रोजेक्ट टू टेक रेनफेड फार्मिंग टू न्यू हाइट्स इन हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। तो जो बरानी कृषि परियोजना है इसके लिए कौन से बैंक ने 1000 रुपये करोड़ की मंजूरी दी है? कौन सी स्टेट को दिए जाएंगे? उत्तराखंड को। तो यहाँ पे अगर हम बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। This project will be implemented by a watershed department under the Uttarakhand Climate Responsive Rainfed Farming Project। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम करना थ्रू फंडिंग बाय दी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फंडिंग है उसके थ्रू ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रिड्यूस करना। Where has the Union Agriculture Minister G. Kishan Reddy launched the Jyotirgamay Festival 2022। तो इसका शुभारंभ किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस फेस्टिवल का मेन उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस अमंग अटेंडीज अबाउट द नीड टू प्रिजर्व बोथ प्रोडक्शन एंड प्लेइंग ऑफ रेयर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो देखिए किसी ने देखे नहीं होते, बहुत ही रेयर हैं, उनको प्ले करना, उनको एक तरीके से शोकेस करना इस फेस्टिवल का मेन उद्देश्य है। वेयर वॉज द 8th वर्ल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 ऑन तिब्बत हेल्ड। तो इसका जो आयोजन है वो यूएसए वाशिंगटन यूएसए में किया गया है। द एम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज़ टू ट्राई प्रिजर्व तिब्बतन रिलीजन कल्चर आइडेंटिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लियर वाटर स्ट्रिंगरी फिश बीन डिस्कवर्ड। तो इस मछली को किस देश में अभी हाल ही में खोजा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ये जो मछली है ना फ्रेंड, ये 13 फीट जो है वो लंबी है और इसका वेट लगभग 300 किलोग्राम है। इससे पहले देखिए 2005 में एक फ़िश पकड़ी गई थी, उससे भी ये जो है वो 6.8 किलोग्राम ज़्यादा भारी है। तो इसलिए वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्लियर वाटर फिश है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। द राइट आंसर इज़ दिनकर गुप्ता। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है दिनकर गुप्ता। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट लाइवलेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल लाइवलिटी इंडेक्स 2022, जिसे रिलीज़ किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो फ्रेंड, इसमें कौन सी सिटी ने टॉप किया है? तो वो आंसर है वियना, जो कि है ऑस्ट्रिया की कैपिटल। सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, उसके बाद है ज्यूरिख थर्ड नंबर पे। इसे इशू किसने किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे इशू किया है। देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, वो इसमें है 112 प्लेस पे, और अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई इसमें 117 प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। द राइट आंसर इज़ रंजीत बजाज। विच स्टेट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डिपार्टमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज़ इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड। कौन से राज्य के एमएसएमई डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिला? तो फ्रेंड, आंसर हो जाएगा देखिए हमारा उड़ीसा। तो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा का जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फॉर इट्स कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फ्रॉम वेयर। कहाँ से देखिए इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इज़ फ्रेंच गुयाना, जो कि है साउथ अमेरिका में। और किसके द्वारा किया गया है? तो तब आपका आंसर रहेगा इसरो के द्वारा। नेक्स्ट इज़, वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड इट्स फर्स्ट एवर वॉर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटजी प्रोग्राम विद इट्स फर्स्ट कैपस्टोन सेमिनार। पहली बार जो कैपस्टोन सेमिनार है इसके साथ पहला वॉर एंड एयरोस्पेस जो स्ट्रेटजी प्रोग्राम है इसे कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रेंड, इसका जो आयोजन है वो न्यू दिल्ली में किया गया है। अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की बात होती है तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को और डायरेक्टर जनरल हैं संजीव कपूर। Who has been appointed by the new development bank as the first director general of its regional office in Gujarat International Finance Tech City? तो गिफ्ट सिटी में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उस उनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स DJ पांडियन। Where will the 18th G20 summit 2022 be organized? तो G20 समिट ये 2023 में होगा और ये कौन सा एडिशन है? 18 नंबर का। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर, इंडिया में इसका आयोजन होगा। देखिए फ्रेंड, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें 19 तो कंट्रीज़ एक है, इसमें यूरोपियन यूनियन, भारत भी देखिए G20 का हिस्सा है। ये पूछ लेते हैं पहली बार जो G20 समिट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा अमेरिका में हुआ था। कब? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट माउंटेनियर ऑफ इंडिया टू क्लाइम द टॉप ऑफ अन्नपूर्णा पर्वत विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो अन्नपूर्णा पीक की चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन बने और विदाउट ऑक्सीजन हेल्प ये पहुँचे हैं? इनका नाम क्या है? स्केलजांग रिंगसिन जो है वो इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मेंस फुटबॉल रैंकिंग 2022 रिलीज्ड बाय द फुटबॉल्स वर्ल्ड कप फीफा। फीफा के द्वारा जो जारी की गई है मेंस की रैंकिंग, उसमें इंडिया की जो टीम है उसकी रैंक क्या है 104। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।